फोन र आफु रिचार्ज है र 84 दुस्का र 666 रुपैयाँको रिचार्ज तेरी सुरम्याली आँखी वा भाई वा। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली में अभी जा रहा हूँ फट्यों समालटा यानी कि चक्राता ब्लॉक में जौनसारी जनजातीय क्षेत्र में जहाँ पहली जौनसारी पिक्चर की शूटिंग हो रही है और मेरे साथ होंगे नारायण सिंह राणा और पूर्व कैबिनेट मंत्री जसपाल राणा के पिताजी और दूसरे होंगे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह रावत जी। तो रास्ते भर क्या क्या उन लोगों के साथ होता है मैं आपको दिखाऊँगा। क्यों दीदी, किसने बोला बूटे हुए लाख मंडल वालों ने? चलो छोड़ा लगाना है, आप भी साथ देंगे ना? मैं साथ। हंसी बोलो पार्टी खड़ा और बाटो पानी नालो पीलो तोमर। ये जौन सारी पिक्चर मेरे मेरे गांव की बात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व है कि हमें बड़ी पर्दे की फिल्म मिली है। फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है इसमें, और जो ये मूवी बनने जा रही है मेरे गांव की बात, इसका है मेन मकसद कि जो गांव के लोग हैं और ये जो शहर में चले गए तो शहरी लोगों के लिए संदेश आएगी, मतलब अपने गाँव को, अपने कल्चर और अपने समाज को ना वापस आए। तो इसलिए तो नहीं लिया आपको पिक्चर में कि आप सोशल मीडिया की हीरोइन है? थोड़ा सा इंस्टाग्राम में वो इतनी भी नहीं, बट हाँ ये लोग हैं, मेरे अच्छे फॉलोवर्स हैं और वहीं से मुझे शायद किया। कोई डायलॉग याद, कोई गाना याद है जो आप इस पिक्चर में कर रहे हैं? कोई गीत में नृत्य कर रहे हैं? अभी सॉन्ग तो नहीं हुए हमारे। ऐसा कोई संवाद है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव करता है इस पिक्चर का? इस पिक्चर का ऐसा भी बहुत से डायलॉग सारे में बोल दीजिए, कोई भी लाइन बोल दीजिए। जैसे कि मतलब जो हीरो है वो क्या होता है कि मतलब मेरा फोन का नेट पैक खत्म हो जाता है। जौन सारे में कैसे बोलते हैं? हाँ, तो नेट में बताती हूँ आपको कि नेट पैक खत्म हो जाता है और जिसमें हीरो मेरा नेट पैक करवाता है। तो मैं उसमें बोलती हूँ कि मेरा फोन रहा आपको रिचार्ज हो और 84 दूसरा और 666 रुपये का रिचार्ज में कराई और आप हुई रही, मतलब कि खुद ही रिचार्ज हो गया और 84 दिन का रिचार्ज है 666 रुपये वाला। क्या बात, तो ये एक डायलॉग भी है इसमें। विनो यार, तुम जौन सारी पिक्चर बनाने बैठ गए, लोग तो तुम्हें हिंदी पिक्चर के लिए सोच रहे थे कि चला गया बम्बई वापस आ गया। जी सर, मुझे ये लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र जौन सार के लिए ऐसा अपने तरफ से कुछ तो कर पाऊँ। तो ये जो फिल्म बन रही है ये एक मेरा छोटा सा योगदान है जौन सार। बहुत नाटक किया आपने, कोई नाटक बताए जो बहुत फेमस हुआ? मैंने वैसे थिएटर प्लेस किए हैं बहुत की जो मैंने देखा है। बाकी कुछ वेब सीरीज करी हैं, एक दो सीरियल्स भी करे हैं। फिर वापस बम्बई लौटोगे? हाँ सर, क्या है कि बम्बई तो जाना ही जाना होता है। यहाँ तो मैं बस अपने कर्तव्य के लिए हूँ। आपको अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आपको ये शहर छोड़ के तो जाना ही पड़ता है। एक ऐसा कोई डायलॉग बता दीजिए जो इस पिक्चर में आपको बहुत अट्रैक्टिव करता है, वो जौन सारे में आपको बोलना पड़ेगा। सर डायलॉग तो अभी तो मुझे कुछ ऐसा शायद याद नहीं आ रहा है क्योंकि लोग रोज सीन्स करते हैं। फिल्म के मैंने दो गाने खुद भी गाए हैं। मैं तेरी सुरम्याली आँखी वा भाई वा, चिट्ठी दंद पार्टी बाकी वा भाई वा, तेरी सुरम्याली आँखी वा भाई वा, चिट्ठी दंद पार्टी बाकी वा भाई वा। अखियों दी रिंग बोसी जी आंदी तू, बोली दे छोरी कोसी गाँव की तू, तेरे हाथों में जादू है या नशा, जाला बाउड़ा हुआ पानी नशा। क्या बात है, इसमें जौन सारों ने शाबाश है। नहीं बिल्कुल, इसमें ट्रेडिशनल घर है अधिकांश, जो मेन ड्रामा जिस घर में चल रहा है वो वेल ऑफ है, तो उन्होंने एक अच्छा ट्रेडिशनल घर बना रखा है लेकिन वो मॉडर्न टाइम का है। पर अधिकतर जो है वो पुराने जो हमारे लकड़ी के घर होते हैं
आज भी हो गया जो शहर के स्थापत्य हो गया वो है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि टाइम के साथ ट्रेडिशन कम होते जा रहे हैं, और लेकिन लोग भले ट्रेडिशन को उस तरह से अपना के नहीं चल रहे पर वो उसे देखना चाहते हैं। जो फिल्म बनी है सब इसकी कहानी हिंदी में है, परंतु जो जोर सारी अनुवाद है उसके मैं भाषा विशेषज्ञ के रूप में हूँ, और निश्चित कहीं ना कहीं मैं इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चौहान जी सर यहाँ पर आ दो, चौहान जी आप कह सकते आप लोग विजुअल लेने ले लो एक विजुअल बस क्यों सब चलेंगे बाहर को भारत चौहान जी जौन सारी फिल्म मेरे गांव की बाट, मेरे गांव की बाट में भी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने इससे पहले कभी रोल किया नहीं। अच्छा। और यहाँ मैंने बहुत बड़े किसी रोल में नहीं है, हम तो व्यवस्था के लिए आए हैं। और जौनसार बावर मेरे गांव की बात एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, जिसमें पारिवारिक दृश्य, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, विवाह पद्धति, इन तमाम चीजों को दर्शाया गया है। सामूहिक परिवार का ढांचा संरचना कैसे होती है ये बात इस फिल्म में दिखाई गई है, और के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी फिल्म। बिल्कुल, खाने में बड़ी लाइन लगी है, आप भी खाना खाते रहिए। लगभग 350 लोगों का यहाँ भोजन बना है। कैसे? वगैरह तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। जी बोलो बोलो। तमाम लोग आए हैं क्योंकि आज का जो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण था। जौनसार बावर की जो शादी होती है उस शादी में रानी की माई एक बहुत विशेष आयोजन वो होता है, और एक सम्मान का प्रतीक है, महिलाओं को उसमें भोजन कराया जाता है। सारे क्षेत्रीय सिनेमा को प्रमोट करने के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसके पश्चात निश्चित रूप से अन्य फिल्मों का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे गांव की बाट जौनसारी पिक्चर की शूटिंग के दौरान अभी लंच ब्रेक है, और बहुत सारे दर्शक भी यहां देखने के लिए आ रखे हैं। सभी के लिए रहने की खाने की व्यवस्था की गई है, और अभी आप देखें कि यहां पे जो बैठे हुए लोग हैं बहुत ही सम्भ्रांत लोग हैं। डॉक्टर पूजा गौड़ है जो जौनसार में महिला स्वरोजगार और महिला उद्यमिता के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है एक सीन है, गांव की सीन है, जहाँ पे जो महिलाएं जब शादी करके दूसरे गांव जाती हैं और जब वापस अपने मायके आती है तो उस दौरान उन बहनों को जो खाना परोसा जाता है उनके सम्मान के लिए, वो सीन उस पिक्चर में, और उस सीन के लिए सब युवतियाँ तैयार हो चुकी है। और सीन राइट लाइए, मैंने राइट तो ये बहुत अच्छा है। ये चौहान जी का बहुत अच्छा प्रयास है, पहले से इसको जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट की शूटिंग चल रही है, और फिल्म के डायरेक्टर पोजीशन ले रहे हैं अनुज जोशी जी। चलो आप ऊपर चल जाओ, ऊपर हाथ ऊपर काम ले रहो आप। ए सनी, जो इस पिक्चर के हीरो हैं, और जल्दी आपके थिएटर में मिलेगी। और नारायण सिंह राणा जी के साथ जो हमारे इस पिक्चर के अभिनेता अभिनेत्रियाँ ये हैं, शांति वर्मा है, बहुत पुरानी गायिका जौनसार की, और वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र रावत जी, और उनके बगल में डॉक्टर पूजा गौड़ जिस समय महिलाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर रही है, यानी कि महिला एंटरप्रेन्योर के ओर आगे बढ़ा रही है उस काम को। तो ये पहली जौनसारी पिक्चर है जिसको अभिनव कर रहे हैं, और अभिनव तो उत्तराखंड का जाना माना नाटक में बड़े बड़े नाटक किए जिन्होंने। फट्यो गांव में जौनसारी फिल्म
मेरे गांव की बाट की शूटिंग हो रही थी और हम लोग वहां पहुंचे। वहां से वापस आते समय समालटा गांव पहुंचे। मेरे सामने समालटा गांव की ये मकान आप देख सकते हैं और यहां जो हेरिटेज है इन्होंने बिल्कुल छेड़ा नहीं। नए मकान ज़रूर बनाए लेकिन नए मकान के साथ जो हमारे परंपरागत और पुराने जो संसाधन थे, दरवाजे, खिड़कियाँ और लकड़ी का जो नक्काशीदार जो काम था उसको बिल्कुल इन्होंने छेड़ा नहीं है। आप देख चालदा महाराज महासु मंदिर समालटा। पूजा होगी ये 50-60 साल के बाद आएगा नंबर तब तक खत्म हो चुका, फिर नया मंदिर बनाएंगे। तो आपने चर्चा सुनी कि मेरे सामने पे चालदा महासु का मंदिर है और ये चर्चा में बताया गया कि इस मंदिर से देवता प्रवास पर दसों जा रखा है और दसों से वापस आने में 50 साल भी लग सकते हैं और 100 साल भी लग सकते हैं। जब उनका दिन होगा, जब उनका समय होगा तो वापस आएंगे और इतने लंबे अंतराल में मंदिर की स्थिति क्या होगी वो तो समय। हम लोग फटेओंग गांव से वापस लौट करके आ गए जहाँ जौनसारी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और अभी मैं बैठा हूँ जसपाल राणा शूटिंग रेंज के आवास में जहाँ पे नारायण सिंह राणा जी का घर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल दूसरी वीडियो को लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।